हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। दिस इज़ डॉक्टर रिश्पा। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवा ली हैं लेकिन फिर भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो उसके लिए क्या वो रेमेडी घर में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रॉपरली आपका चेक करेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। लेकिन कुछ लोग, अगर आप घर पर ही कुछ ट्राई करना चाहते हो, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पा सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ आंवला का पाउडर चाहिए, एक भृंगराज एक ड्रग होती है जो आपको किसी भी पंसारी के पास या किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। भृंगराज का पाउडर चाहिए और साथ में आपको चाहिए काले तिल का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को आपने इक्वल अमाउंट में लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 ग्राम भृंगराज का पाउडर ले रहे हो, 100 ग्राम ही आपको आंवला का लेना है एंड 100 ग्राम ही आपको ब्लैक तिल लेने हैं, जिसको आप पाउडर फॉर्म में कर लो। इन तीनों को पाउडर फॉर्म में करके एक साथ आप एक बॉक्स में डाल लीजिए और सुबह शाम इसको खाना खाने के बाद आपको गर्म पानी के साथ इसका एक टेबलस्पून लेना है। विद इन फ्यू मंथ्स आप देखोगे कि आपका जितना हेयर फॉल हो रहा था पहले, वो रिड्यूस होता जाएगा। दिस इज़ अ जनरल मेडिसिन जो कि मैं सब पेशेंट के लिए बता सकती हूँ कि यूज़ करें। ये करने के बाद भी अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है, देन देयर मस्ट बी एन अदर रीज़न। तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अपना रीज़न पता कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवाइए। ऐसी और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।